हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सीरीज नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल 1,50,000 की और वेरिएबल अवेलेबल है आपके 10 रुपीज़ की एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है 15 रुपीज़ की। और यहाँ पे हमें दो पॉइंट सॉल्व आउट करने हैं। वट विल द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 25,000 यूनिट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू नेट इनकम ऑफ 20% ऑन सेल। तो देखा जाए दोनों पॉइंट्स में, एक में हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दूसरे में आपको पूछा गया है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब आपने कितने यूनिट सोल्ड करने हैं ताकि आपको नेट इनकम 20% ऑन सेल हो। इसका मतलब पहले में हमें ब्रेक इवन पॉइंट की हेल्प से आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना है, और दूसरे में आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट की हेल्प से आपको नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड नंबर ऑफ़ यूनिट ढूंढनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जिसकी हेल्प से आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमें यूनिट्स में गिवन है, इस वजह से ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला लगेगा वो भी यूनिट्स वाला ही लगेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल है, इसकी यूनिट्स हैं 25,000 यूनिट्स, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी 25,000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट की। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,50,000, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट करिए फिक्स्ड एक्सपेंस की जगह पे। तो जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया पर यूनिट दैट्स योर 6 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो पूछा है वो पूछा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन से हम सेलिंग प्राइस को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 10 रुपीज़ की पहले से मेंशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 16 रुपीज़ अवेलेबल हो गया। तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 16 रुपीज़। द सेकेंड पॉइंट इज हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ अ 20% ऑन सेल। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी फाइंड आउट करने हैं और 20% उसके ऊपर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स मुझे यहाँ पर डिज़ायर प्रॉफिट का फॉर्मूला फॉलो करना है। तो डिज़ायर प्रॉफिट के लिए सेल यूनिट्स, यहाँ पे भी यूनिट्स वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोला गया था आपको सेल यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, इस वजह से यहाँ पे भी डिज़ायर प्रॉफिट वाला यूनिट्स वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि आपको यूनिट्स भी पूछे गए हैं और डिज़ायर प्रॉफिट भी आपको परसेंटेज में अवेलेबल है, दैट इज़ 20% ऑन सेल, लेकिन अमाउंट अवेलेबल नहीं है। तो हम सबसे पहले डिज़ायर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिज़ायर प्रॉफिट के लिए लिखा है 20% ऑफ x इंटू 15। तो ये है क्या, क्योंकि मेरे पास यूनिट्स नहीं है तो इस वजह से मैंने सेल यूनिट को x अज्यूम कर लिया। तो x आपके यूनिट्स हो गए एंड द प्राइस इज 15, जो कि क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है कि सेलिंग प्राइस आपका 15 रुपीज़ है। तो सेल वैल्यू, मतलब जब भी आप डिज़ायर प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। तो सेल वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स। तो यूनिट हम लोगों ने एक्स अज्यूम करें हैं, सेल प्राइस आपका 15 रुपीज़, जो कि क्वेश्चन में आपको पहले से ही अवेलेबल है 15 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस। तो ये आपकी सेल वैल्यू होगी 15x। तो 15x के ऊपर तो डिज़ायर प्रॉफिट आपका सॉर्ट आउट करके 3x आ गया। 20% 15x जो सेल वैल्यू, इसका 20% किया तो आपका डिज़ायर प्रॉफिट 3x आ गया। बस अब सिंपल है, इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेल यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस, और फिक्स्ड एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन है 1,50,000 के, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करी गई। डिज़ायर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 3x, वही वैल्यू पुट करी। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, और क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस 15 रुपीज़ का अवेलेबल है और वेरिएबल कॉस्ट आपको 10 रुपीज़ की है। तो वही वैल्यू सेल की जगह 15 और वेरिएबल की जगह 10 पुट करा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी 5 आई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉर्ट आउट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है एक्स की, दैट इज 75,000 यूनिट्स, और यही आपकी सेल यूनिट्स थी जो आपसे पूछी गई थी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।